करना है, महीनों से कोशिश कर रहे, इतने पैसे लगा दिए, विदेशों के साथ डील कर दी, ये स्वामी बाबा रामदेव हमारे पीठ पीछे ये कैसे कर दिया? तो आपको ये भी पता है आपके इस वक्त बहुत दुश्मन होंगे, तो आप अपने कस्टमर्स को मिसलीड क्यों कर रहे हैं ये पुत्र जीवक बीज के नाम को यूज करके, जिससे आप खुद कह रहे हैं इससे भ्रम फैलता है, आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? कि आपने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप सोचिए, बिल्कुल हमारे पास है, हम सोचेंगे, फिर आपके कहने पे पतंजलि का मंजन क्यों इस्तेमाल करेंगे? सम्मान के प्रतीक मान लिया हमने किसको? जीन्स को, और वो भी फटी हुई जीन्स को। अभी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने 23 जून को कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बना देने का दावा किया है। उन्होंने कोरोनिल नाम की मेडिसिन लॉन्च की है। इस मेडिसिन के जरिए कोरोना के मरीजों को ठीक करने का दावा किया गया है। पतंजलि योग पीठ के प्रमुख बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च करते हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसके सफल परिणामों का दावा किया है। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण है। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। 100 लोगों के ऊपर ये क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात। तो ये कोरोनिल है, ये श्वासारी है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस महान प्रयास के लिए, पुरुषार्थ के लिए। इसके बाद से ये दावा सुर्खियों में है, जहां दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट COVID-19 की दवा ना खोज पाए, वहीं बाबा रामदेव ने ये कर दिखाया है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। लगातार इसकी जांच भी चल रही है कि बाबा रामदेव द्वारा किया दावा कितना सच है और कितना झूठ। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा दवाई लॉन्च किए जाने के बाद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने दवाई के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर ने भी ANI को दिए बयान में इस दावे पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है इसके बारे में बताया है। कोई भी मेडिसिन बना सकता है, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन जो नोटिफिकेशन हमने निकाला हुआ था ये साधारण 21 अप्रैल को, आपको पता है कि जो आयुष मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स तैयार किया हुआ था, जो कोई मेडिसिन बना सकते हैं, तो जो फॉर्मूला है वो टास्क फोर्स के थ्रू वो रिसर्च के लिए जा रहे थे। ये तो रूल था, इसी के मुताबिक। हाँ, बहुत खुशी की बात है, एक नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए, इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है, इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। आयुष मंत्रालय के एक सदस्य ने बताया कि भारत में किसी भी कंपनी को कोरोना की दवा को लेकर कोई क्लियरेंस नहीं दी गई है। भारत में किसी को भी आज तक आयुष मंत्रालय ने ये क्लियरेंस नहीं दिया कि कोरोना को ये दवाई भारत के अंदर कोरोना को समाप्त कर सकती है, ऐसा किसी को भी। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए कही है कि मेरे पास भी भारत के पतंजलि के अलावा और भी बहुत लोग आए हैं कि कोरोना के मेडिसिन है, 8 दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में समाप्त कर देंगे, 15 दिन में समाप्त कर देंगे, 8 घंटे में समाप्त कर देंगे, लिक्विड लेकर के आए। तो इसलिए मैं आज राष्ट्र को, सबको ये बताना चाहता हूँ, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किसी भी ऐसी दवाई का कोई दावा नहीं किया कि कोरोना की औषधि है, हमने ऐसा कोई लाइसेंस राष्ट्र के अंदर किसी को भी नहीं अभी दिया। जैसे ही दवा लॉन्च की गई, मीडिया ने इसे बढ़ चढ़ कर दिखाना शुरू कर दिया। अर्नब ने बाबा रामदेव का इंटरव्यू भी किया, जिसमें वे बाबा रामदेव की काफी तारीफ करते दिखाई दिए। तो जो काम दुनिया का कोई देश अभी तक नहीं कर सका, वो स्वामी बाबा रामदेव ने कैसे किया? ये विवाद आपके पीछे क्यों भागता है? आप कुछ भी करें, आप कंट्रोवर्सी के मतलब नंबर वन स्टार है इस देश के। आपने कोरोनिल निकाली, बहुत बड़ा विवाद हो गया। आपके पीछे पूरी फार्मा लॉबी पड़ी हुई है अभी कि हम लोग तो यार सालों से कोशिश कर रहे हैं, महीनों से कोशिश कर रहे हैं, इतने पैसे लगा दिए, विदेशों के साथ डील कर दी, ये स्वामी बाबा रामदेव हमारे पीठ पीछे ये कैसे कर दिया? तो आपको ये भी पता है आपके इस वक्त बहुत दुश्मन होंगे,
जो कहेंगे ये कैसे आगे बात, उसके ऊपर आयुष मंत्रालय ने सवाल उठाया। कल कागज में और पेपर में चैनल में विवाद होगा। तो आप इन चीजों से डरते नहीं, आपको चिंता नहीं है? आपको चिंता नहीं है? वो कह रहे हैं कि हम पतंजलि ने ये कैसे अनाउंसमेंट कर दी, इसके पीछे हम जांच करेंगे। जवाब दे दिया है। जी हाँ, ये वही अर्णब है जो टाइम्स नाउ में थे, तब वे बाबा रामदेव की काफी आलोचना किया करते थे। जब बाबा रामदेव के द्वारा पुत्री जीविक बीज लॉन्च किया गया था, तब अर्णब ने बाबा रामदेव से तीखे सवाल किए थे। ये समझ में नहीं आ रहा है और यू हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस अस। सवाल पहला ये है कि पुत्र जीवक बीज क्यों, पुत्री जीवक बीज करके आप बेचिए? आप पढ़े लिखे, आप जेंडर पर एक एम्फोसिस है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। आप इसको कल पुत्री जीवक बीज करके इसको मार्केट क्यों नहीं करते? कि इस नाम से जरूर भ्रांति होती है, मैं सहमत हूँ इस बात से। तो क्यों आप ये भ्रम फैला रहे? इसलिए इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। क्यों भ्रम फैला रहे थे आप? मैं नहीं फैला रहा ना। संतान जीवक बीज कहिए, संस्कृत वर्ड, नो वाच, संस्कृत थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, संस्कृत वर्ड फॉर चाइल्ड इज संतान। तो आप अपने कस्टमर्स को मिसलीड क्यों कर रहे हैं ये पुत्र जीवक बीज के नाम को यूज करके, जिसे आप खुद कह रहे हैं इससे भ्रम फैलता है, आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? इतना ही नहीं, जब बाबा रामदेव द्वारा मैगी निकाली गई थी, तब भी अर्णब ने डिबेट के जरिए बाबा रामदेव की काफी आलोचना की थी। दैट स्पेशल ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन टू रामदेव, पीपल आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई बिकॉज़ ही इज क्लोज टू द बीजेपी, सराउंड्स द ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू सेल नूडल्स टू समवन हु इज क्लोज टू द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वुड द एफएसएसएआई चेयरमैन क्वेश्चन द लाइसेंस गिवन टू पतंजलि टू सेल पतंजलि नूडल्स? Why would the FSSAI chairman claim that Baba Ramdev has not followed the norms and procedures to procure a license in the first place? If Patanjali Noodles is selling a product that does not have the requisite approvals from the FSSAI, as per the FSSAI, shouldn't we ask if they were a beneficiary of some largesse from someone within the government to sell the noodles? I mean, tomorrow somebody will say, I'm close to the government, I can make noodles, I can make what I want. If that is the case, then if the is a FSSAI chairman lying when he says the noodles don't have product approval from the FSSAI? Why should the FSSAI chairman lie? Or does no government official matter anymore when the person on the other side is Baba Ramdev? No, he's not lying. I mean, it's absolutely ridiculous. Madhuresh, please. पर जब से उन्होंने रिपब्लिक टीवी शुरू किया है, तब से वे बाबा रामदेव की तारीफ ही करते दिखाई देते हैं। शायद इसलिए कि अब उन्हें पतंजलि की ओर से मिलने वाली एडवर्टीजमेंट का फिक्र है। और जब कोरोना भारत में शुरुआती दौर में था, तब भी बाबा रामदेव मीडिया में लोगों को सलाह देते दिखाई दे रहे थे। अर्णब ने तब भी कई बार बाबा रामदेव को अपने शो में बुलाया और काफी मस्ती करते हुए भी दिखाई दिए। स्वामी जी, एक और मैंने आसन शुरू किया अभी, उसमें 10,000 कैलोरी भी जाती है। हाँ, बताइए। हाँ, उसमें लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो उसको कहते हैं डिबेट आसन, विवाद आसन। आप 2 घंटे मेरी तरह सुबरात आप 7 बजे शुरू कीजिए, 11 बजे खत्म कीजिए, मैं डेली करता हूँ। 1 घंटे हिंदी में डिबेट, 2 घंटे अंग्रेजी में डिबेट, इतना एक्सरसाइज हो जाता है। हो गया स्वामी जी। अच्छा, ये टिप्स लगाने चाहिए था। मैं 500 लगाता हूँ। ये टिप्स आप लगाइए। अरे नहीं, आप लगाइए, अगली बार करूँगा। बहुत खूब, ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। मैं आऊँगा, आपसे सीखूंगा। ताकत ऐसे होनी चाहिए, देखो ऐसे। बाबा रामदेव जब पहले योगा सिखाते थे, तब वे जीन पहनने वालों की काफी आलोचना करते थे और फटी जीन को लेकर भी काफी कुछ बोलते थे। जीन्स पहनेंगे, भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? और इतने टाइट जीन्स पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती है, यूं इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, बताओ बावड़े। सम्मान के प्रतीक मान लिया हमने किसको? जीन्स को, और वो भी फटी हुई जीन्स को। जो फटी हुई जीन्स पहने ना, वो ज्यादा सभ्य बोला जाता है। मैंने पहले देखा तो मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, मैंने कहा भैया आपके पास पैसा नहीं है तो मैं दे दूंगा, फटी हुई क्यों पहन रखी है? तो बोले बाबा जी मेरे पास ज्यादा पैसा इसलिए पहन रखी है। पर बाबा रामदेव ने बाद में खुद ही पतंजलि जीन्स लॉन्च कर दी थी। आप सुनिए वे जीन्स के बारे में क्या कह रहे हैं। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे पतंजलि की जीन्स कब आ रही है। नीचे जीन्स है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। ये अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। जीन्स में भी हमारे पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं। ये
ये जीन्स मैं देख रही हूँ, मतलब फटी हुई भी है। अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। थोड़ी फाड़ रखी है हमने, घिस रखा उसको। सुपर ड्राई वाले यही जीन्स, सेम क्वालिटी, सेम इसकी डिजाइन, ये 5,000 रुपए की बेचते हैं ये जीन्स। आप यदि ली के लेते हैं करीब करीब जो है 5,000 रुपए की। विदेशी कंपनियां 5,000 में जीन्स दे रही थी ना, वो हम 500 रुपए में दे रहे हैं। सर अभी जैसे मैंने एक लड़कियों के लिए जीन्स देखी, स्किनी जीन्स फॉर गर्ल्स, तो उसमें लाइक 1700 उसकी प्राइस थी, तो इतनी तो सर H&M एंड ज़ारा में भी मिल जाती है। देखो कुछ प्रोडक्ट हो सकता है समान प्राइस के होंगे। ये जीन्स फटी हुई है पर इतनी भी नहीं फटी हुई कि सब कुछ दिख जाए, तो इसीलिए संस्कारी जीन्स। अभी हमने फटी हुई जीन्स रखी है लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता का? जाकर के देख ले और पहन ले, जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है देख ले। सर पर भारतीयता क्या है, मतलब कितनी फटी होनी चाहिए, कोई रेंज तो नहीं होता ना? हाँ इसलिए वो मैंने कहा वो देख सकते हो आप। तो ये सर इंडिया का प्राइड मीन्स क्या, और भी इंडियन ब्रांड्स हैं फिर उन्हें पहनने में प्राइड नहीं आएगा? नहीं पहनिए, हम कह रहे हैं कि जो भी इंडियन ब्रांड है उस पर गौरव करो, लेकिन पतंजलि से वो भी सीखे। कन्हैया कुमार ने भी बाबा रामदेव के स्वदेशी नारे को लेकर काफी आलोचना की है। और ये स्ट्राइकर इधर उधर इसलिए चला जाता है कि हम ब्रांडिंग ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। साहब कह रहे थे अभी बाबा जी की मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, आप इंटरनेशनल व्यापारी हैं, और आपने जो है क्या बढ़िया से स्वदेशी की ब्रांडिंग की है। इसके साथ साथ आपने कहा, मैं आपका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आपने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप सोचिए। बिल्कुल हमारे पास है, हम सोचेंगे, फिर आपके कहने पे पतंजलि का मंजन क्यों इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग से सोचिए करेंगे। खैर अब देखना ये होगा कि बाबा रामदेव जो दावा कर रहे हैं वह कितना सच है और कितना झूठ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।